जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में कोरोना जैसी महामारी को लेकर के दिल्ली के अंदर 20 हॉट स्पॉट सील किए गए, उसमें एक सदर बाजार इलाका भी आता है, यहाँ भी चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल पैक कर दिया है, सील कर दिया है कि किसी को भी किसी कारण बिना कारण के अनुमति घर से निकलने की मोहल्ले से निकलने की नहीं दी जाएगी। उसको लेकर के क्या कहेंगे, कितना बड़ा कदम है ये? बहुत बड़ा कदम है ये, दिल्ली सरकार को कहेंगे सरकार को पहले ही करना चाहिए था, जिससे इतना कोरोना नहीं फैलता। तो जिस हिसाब से ये इलाका भी उन्हीं में काउंटिंग हो रहा है कि जिस तरीके से यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव निकले, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने, दिल्ली सरकार ने सील किया गया है, कितना बढ़िया कदम है और क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बढ़िया और अच्छा कदम है, ये पहले ही करने चाहिए था, तो इतना कोरोना नहीं फैलता। लोगों से क्या अपील करेंगे कि जिस तरीके से उनको खाने पीने की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके घर तक मुहैया कराया जाएगा? मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, बिगैर इमरजेंसी कोई ज़रूरत के अलावा बिगैर परमिशन के घरों से ना निकले, इसमें हमारी और दिल्ली सरकार और केंद्र की सुरक्षा है और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। ओम प्रकाश, जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा है, दिल्ली के अंदर में 20 स्पॉटों को सील किया गया जिसमें सदर बाजार इलाका है, उसको लेकर के क्या कहेंगे जो सील किया गया है? सर पूरे सील कर दिया है, मतलब कोरोना वायरस के, मतलब पूरे चारों तरफ रोडों पे सारे बिजली लगा पूरे सील पैक कर दिए सदर बाजार इंडिया में जो आते हैं विश्व में। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सदर बाजार इलाका भी काफ़ी जो है कोरोना जैसी बीमारी को लेकर पॉजिटिव निकलेंगे, यहाँ से इलाका घना है? नहीं, उसके लिए सही है, बहुत मतलब पब्लिक सदर बाजार में मतलब बहुत आते हैं, आते रहते मतलब घूमते रहते, उसके लिए बहुत मतलब कोरोना वायरस के लिए बहुत बढ़िया है।